ओके okay, अच्छा श्याम सिंह का एक सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि इनको दो आईपीओ लगे थे, एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और एक जी इरेडा, जी दोनों के इन्होंने रखे हुए हैं अपने जी बच्चों के एजुकेशन के लिए। 17 साल रखना चाहते हैं, 17 हो सकता है बच्चे की एज से जोड़ के इन्होंने 17 साल बनाया हो। जी तो अब बताइए क्या ये दोनों स्टॉक जो ले रखे हैं इरेडा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इनको लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए? और पैसा बन रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए थियोरेटिकल, और अगर इसको आप थियोरेटिकल देखेंगे तो यस, अच्छे स्टॉक्स आपको होल्ड करने चाहिए। अभी 17 साल तक ये सारे स्टॉक्स, इनके पास डेटा बहुत कम है, इनके आईपीओ अभी आए तो इनके पास वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उतना पीछा कि मैं इसमें 17 साल आगे का बोलूं। बट एज अ सेंटिमेंट, जो भावना इनकी है वो सही है कि भाई आप अच्छे स्टॉक्स अगर आपको लग गए हैं, आपको पैसे बन रहे हैं तो आप उनको रखना चाहेंगे, और बच्चों की पढ़ाई और आगे की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए रख रहे हैं, तो दैट इज हाउ, उसी तरह से आपको इक्विटी मार्केट्स को देखना चाहिए, एक लॉन्ग रन गेम में देखना चाहिए। और बीच बीच में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 4-8 साल में उसको रिव्यू करते रहे कि क्या निकालना है, क्या नया लेना है, बिकॉज 4 से 8 साल में बाजार का कलर चेंज होता रहता है, स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा देखते चर्निंग और रहना थोड़ा है सा जी। एलोकेशन करते रहना है। जी जी